एक्स लिमिटेड एंड बी एक्स लिमिटेड अमलगमेटेड ऑन एंड फ्रॉम 1 जनवरी 2002। ध्यान देने वाले पता है यहाँ पे अमलगमेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे कम्बिनेशन नहीं लिखा हुआ। अमलगमेटेड मतलब ये मर्जर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मर्जर वाली यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी। तो इससे क्या होता है, ए एक्स बी एक्स लिमिटेड आपस में मिलते हैं तो एक नई कंपनी फॉर्म होती है ए बी एक्स लिमिटेड, जिसके शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, और वो टेक ओवर कर लेती है एग्जिस्टिंग कंपनीज के बिजनेस का। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट यहाँ पे दे रखी है 31 दिसंबर 2001 की। ये देखो, ये दे रखी है बैलेंस शीट, है ना। ये अदर इक्विटी की क्लासिफिकेशन है। फिर यहाँ पे नीचे बोलता है कि जो ए बी एक्स लिमिटेड है उसने इशू किए रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनीज। ऑल्सो द न्यू डिबेंचर्स वर इशूड इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड सीरीज ऑफ बोथ द कंपनीज। प्रिपेयर अ नोट शोइंग परचेज कंसिडरेशन एंड डिस्चार्ज देयर ऑफ एंड ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट ऑफ ए बी एक्स लिमिटेड एज्यूमिंग डेट बोथ द एंटिटीज आर अंडर कॉमन कंट्रोल। तो कह रहा है कि ए बी एक्स लिमिटेड ने रिक्वेस्ट नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए इन दोनों कंपनीज के क्लेम्स को डिस्चार्ज करने के लिए। तो मतलब कि शेयर्स किसके बदले, शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर इशू करने का मतलब ये परचेज कंसिडरेशन पे कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये परचेज कंसिडरेशन का बनता कितना कितना है, उस हिसाब से ये जो है वो शेयर्स इशू करेगा, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो यहाँ पे जो ओल्ड डिवेंचर्स आपको दिख रहे हैं ना, इसकी जगह इसने न्यू 12% के डिवेंचर इशू किया। खैर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे ओल्ड है न्यू है, अमाउंट फिगर तो उतना है, इसमें कोई चेंज थोड़ी आना है। अब हमें ये एज्यूम करते हुए ये मतलब जो है बैलेंस शीट ए बी एक्स लिमिटेड की ड्राफ्ट करनी है कि ये दोनों अंडर कॉमन कंट्रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या रहेगा, परचेज कंसिडरेशन को निकालना कि परचेज कंसिडरेशन क्या है, उसके हिसाब से ही क्या होगा, रिक्विजिट नंबर शेयर दोनों को इशू किए जाएंगे। तो मर्जर वाले केस में परचेज अगर नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा है तो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन होता है इक्विटी, दोनों की जो रिस्पेक्टिव इक्विटी होगी वो इनकी परचेज कंसिडरेशन होगी, अगर परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। तो सिंपल सी बात है, हमने एसेट्स में से लाइबिलिटीज और रिजर्व्स को माइनस कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर इक्विटी बच गई है। अगर हम एसेट्स में से सिर्फ लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ नेट एसेट्स बचता है, और नेट एसेट्स में भी अगर हमने इक्विटी माइनस कर दी तो यहाँ पे जो है वो इक्विटी बच गया, अदर इक्विटी माइनस कर दिया तो इक्विटी बच गया। इक्विटी हमारे क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा परचेज कंसिडर। तो टोटल इक्विटी कितनी आ रही है, 13,000 रुपये की आ रही है। तो ये जो पी सी है 13,000 रुपये, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो पी सी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेट एसेट की टोटल नेट एसेट की रेशियो में, कि तो 13,000 यहाँ पे लिख दिया इनकी नेट एसेट, देखो टोटल नेट एसेट्स ये रही। अब इनकी नेट एसेट की रेशियो में हमने निकाल दिया पीसी, अब हमारा आ गया पीसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा टोटल नेट, ये पीसी, ये टोटल नेट एसेट्स, टोटल नेट एसेट की रेशियो में करना था तो हमने रेशियो यहाँ पे डाल दिया और जो 13,000 था उसको हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमें तो हमने परचेज कंसिडरेशन निकाल ली और उसके उसका डिस्चार्ज भी कर दिया उसको। अब हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट में क्या है, कुछ नहीं है, जो बैलेंस शीट होती है अमलगमेटेड कंपनी की वो क्या होती है, इन दोनों की कैरिंग वैल्यू बस हमें प्लस करनी होती है। तो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे इन दोनों की जो कैरिंग वैल्यू थी वो हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे सिर्फ सब कुछ प्लस कर दिया, है ना। देखो एस सी भी 13,000 आ गया सब कुछ, क्योंकि एस सी को भले हम मतलब इसमें अलग अलग बांट दें लेकिन कंबाइन होकर के तो वो 13,000 ही होगी ना। तो यहाँ पे तो हमें कंबाइन करके सारी फिगर्स दिखानी है, तो इसलिए ये सारी फिगर जो ऑलरेडी बैलेंस शीट एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है तो उसको बस प्लस 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 करना, तो उसमें और कुछ करना नहीं होता, इसमें ये होता है। और यहाँ पे बोरिंग्स में हम ब्रैकेट में न्यू 12% डिबेंचर दिखा देंगे और कुछ नहीं है। तो ए पार्टी मर्जर वाला हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।